बम्पर से जाओ, पार करो बम्पर। आपकी गाड़ी इतनी क्यों हिल रही है? दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में निशु नेगी में। और आप, मैं हूँ यहाँ पे अभी इंडिया के खूबसूरत शहर दिल्ली में। मौसम ठंडा ज़्यादा नहीं है और अच्छी धूप है, और बारिश कल तक दो दिन तीन दिन तक तो बहुत बारिश थी। और बच्चे कब से बोल रहे थे मम्मी चलिए सरोजिनी नगर चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा चलते हैं। तो इनके पापा तो टाइम ही नहीं लगा, इन्होंने कहा नहीं तुम जाओ तुम जाओ। हम तो कितने दिन से उनका वेट कर रहा, हम नहीं जा पाए उनके साथ, पर अब हम अकेले जा रहे हैं हम तीनों के तीनों। और चलिए, और आज देवेश ने फर्स्ट बार एक्टिवा, मतलब सेकंड बार एक्टिवा चलाई, तो उसका बैलेंस तब भी थोड़ा घबरा के चला रहा था, कम में ना थोड़ा टेढ़ी हो रही थी, पर थोड़ा फास्ट चलाएगा तो थोड़ा बैलेंस इतना नहीं बिगड़ेगा, पर धीरे धीरे सीख जाएगा। इनके साथ एक्टिवा में यही दिक्कत आती है, आराध्या आगे बैठती है, आप रोती थी जब मैं पीछे बैठ रहा तब दिक्कत होती है। अभी मैं उसको कह रही हूँ आगे बैठ जाओ, तो पीछे बैठ रही है, जब पीछे बैठने के लिए बोलूंगी तो तब जिद्दी करेगी, दोनों पीछे लड़ाई करेंगे, इसलिए मैं लाडू पीछे है। पार्किंग हमने एक्टिवा पार्क कर ली, और यहाँ पे पार्किंग 10 रुपए एक घंटे के हिसाब से लेते हैं, और अच्छी है सामने, और यही से सरोजिनी नगर लग जाता है। अभी हमें बाबू मार्केट में खड़े, यहीं से थोड़ा पार्किंग नजदीक है, तो बाबू मार्केट के सामने पार्किंग अच्छी पड़ जाती है और याद भी रहे। आप सरोजिनी नगर आए और आपको भीड़ ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देख सकते हो यहाँ सरोजिनी नगर ले लो आप, एक यहाँ पे लालू एलिगेट हो गई। मुंह बंद करो मम्मी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप। अरे क्या क्या परेशान हो रही है, मुझे भी इरिटेट। हाँ ये अच्छी है, एक समझदार आना चाहिए। गुल्लू ने उससे कैंडी, उसका टेस्ट बहुत बेकार आया था इसलिए उसने मना कर दिया। उसके भाई ने तो उसने नहीं ली, ऐसी बोला था जैसे वो लेना, देख खुद भी नहीं खाना दूसरे को भी नहीं खाने देना। यहाँ पे इतना रश है सरोजिनी नगर में, और इसको ना भूख लग गई थी, कोई दुकान में से कुछ नहीं लेना। अभी कह रही पहले पेट पूजा फिर काम पूजा है दुकान। अब मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगी, पहले खाने जाएंगे फिर हम यहाँ पे दोबारा आएंगे। बहुत परेशान करते। यहाँ पे लाडू को ये खाना है। अब खुश है? नहीं, भूख लग रही है। पकड़ो ये दे दो। लाडू की पसंद है ये तो हम भी कर लेते हैं। बहुत ठंडा है लाडू को बनाने, कैसी अटपटी चीजें पसंद आती है। और अभी कह रही है बोला अजीब सा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और अभी जब कह रही सब चीजें ट्राई करनी चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर मैं आए तो छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या खाया, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं तो छोले भटूरे खाते हैं। इसको कितनी जल्दी होती है खाने की। इन्होंने पनीर के छोटे छोटे पीस भी करे हुए हैं। अभी तक हमारी प्लेट आई नहीं है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा रुक जाओ। यहाँ पे हमारे छोले भटूरे आ गए, गुल्लू भी तैयार है खाने के लिए है। बंद कर दो ना, मुझे पसंद नहीं है ना। ये क्यों ऐसा करता है, मेरे चैनल को देख के पसंद नहीं आता हर बार में। घर कोई खाने अब कुछ भी नहीं है। कहाँ जा रही है, हम बोले इधर चल। जब छोटे थे हम इनको कहीं नहीं ले जाते थे, अब बड़े हो गए ले जाते तो इनको बाहर बिल्कुल पसंद नहीं आता, घर पे जाने की जिद्दी करते हैं, बाहर जाके चिड़चिड़े से हो जाते, कहते हैं घर आप तो अगली बार से घर पे रहना, बहुत बदमाशी करती हो, कुछ भी हरकतें शुरू करने लग जाती है। इसको तो आने का मन ही नहीं अगली बार से इसके साथ। गुल्लू लाडू कह रहे वो चूड़ी है, चूड़ी है ये, चल ठीक है तो चूड़ी का पहन लियो। ऐसी लाडू आना बहुत बेकार है इसके साथ, मैं तो नहीं आऊंगी अगली बार से इसके साथ। बदमाश से कसम से लोगों को धक्का दे रही हो, कह रही मम्मी क्या कर रही हो आप, है नई मेन्यू बेको बनाने के लिए। कौन करता है, मत कर प्लीज, पापा को बता देना क्या। और यहाँ पे लाडू चटोरी बन रही है, बाबा आ गए। लाडू आज याद कर रही थी ना आप खाटू श्याम बाबा को सुबह। Oh, oh, oh.
फाइनली हम घर पहुंच गए। लाडू तो बहुत बदमाशी कर रही थी रास्ते में। चलो देखते हैं हम क्या इसने पता क्या करा, इसने एक लेडीज से गुब्बारा पकड़ा हुआ था, ये चुपके से जाजू से फोड़ मारेगा और ये वहां पे उसको फोड़ने वाली थी। पे लाडू अपनी दुकानें खोल रही है। पांच आए आपके चार आए। अब भैया के लिए 12 या 11 आए। और एक पहना है 12। और गुल्लू की ये वाली टी शर्ट कभी ठीक है नहीं। आप लोगों को ऐसी दुकान चाहिए हो तो मुझसे संपर्क करना और कंपनी की अच्छी कंपनी की। रुको दो मिनट हिलाओ, उठो ना सही है, मत करो खराब हो जाएगा। ये तो आते ही ट्राई करने लगे लड्डू की। 3 करोड़ की, ये तो है 50,000 की, ये है 6 लाख की और ये है 7 लाख। लड्डू का कितना प्यारा टी शर्ट है, ये नाइस टी शर्ट देवी। घर पे आते ही शुरू हो गए कपड़े चेंज करने में, ट्राई करने में, सॉरी लड्डू भूख लग गई। खाना खाने के बाद लड्डू को फिर भूख लग गई, आते ही खाना खा रही है राजमा चावल। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ऐड जरूर दबाएं, आपको सारी नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगी। चलिए आपको मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए कपड़े आ गए ना, तो गुल्लू ने क्या तय करके रखे हुए हैं, कमाल है भाई। और ये तो गुल्लू के पापा कह रहे पूरा सरोजनी नगर लिया है तुम उठा के।